नमस्कार। आज हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, 45-50 हजार करोड़ रुपए के इमामी समूह के चेयरमैन श्री राधेश्याम अग्रवाल और उनके अभिन्न मित्र, इस कारोबार में उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले, उसको यहां तक पहुंचाने वाले कंपनी के को चेयरमैन श्री राधेश्याम गोयनका। आप दोनों का सीएनबीसी आवाज पर स्वागत है। इस वक्त हम जो आपसे बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब, वो आपने ये नई किताब लिखी है बिजनेस द इमामी वे, इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें आपकी कंपनी के बारे में बात हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि हम आपने ये बिजनेस कैसे खड़ा किया, इससे दूसरे लोग क्या सीख सकते हैं, वो लोग जिन्हें बिजनेस करना है और वो लोग जिन्हें अपनी जिंदगी में और काम करने हैं, ये सबक कैसे लें लोग और उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकें, इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। मैं शुरुआत करना चाहता था लीडरशिप से, लेकिन उससे पहले मैं लीडरशिप से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इस कंपनी को चला रहे हैं, जब से आपने शुरू किया आप और गोयनका जी इस कारोबार में बराबर से कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आमतौर पर फैमिली बिजनेसेस में या पार्टनरशिप में कुछ समय के बाद खटास पैदा होने लगती है, वो क्या चीज है जो आप दोनों को इस तरह जोड़कर रखती है कि आप जिस घर में हम बैठ के आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, इसका नाम भी आपने अद्वैत रखा है, यानी एक दूसरा नहीं, तो आपसे सुनना चाहूंगा। देखिए, खटास कब आती है, जब एक दूसरे से कंपटीशन, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष और अपने बच्चों से मोह, ऐसा हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये आपकी सब बीमारी की जड़ है जो आपस में वैमनस्य पैदा करती है। हमारे भीतर, हम तो क्लास 6 से 7 पढ़े हुए हैं, तो बढ़ते बढ़ते पढ़े हैं, पढ़ते पढ़ते बढ़े हैं, तो उस स्थिति में हमारे में खटास नहीं बढ़ा है, मिठास बढ़ता गया है। आपकी जो बात आपने लिखी है, जो आपकी कंपनी के आपके साथ काम करने वाले लोगों के तजुर्बे हैं, उसमें ये लगातार दिखता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध है जिसकी अभी तो मिसाल दी जा रही है, लेकिन जिसकी मुझे लगता है कुछ समय के बाद बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगी। तो आपसे अगर मैं पूछूं, गोयनका जी में ऐसी कौन सी बड़ी अच्छी खास बात है कि ये जो आपको पसंद आती है? ये देखिए, जब संबंध होते हैं तो उसमें देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और लेने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। देने वाला देवता और रखने वाला राक्षस। गोयनका जी इस सिद्धांत को पूर्णतया मानते हैं, ये सिर्फ हमारे यहां ही नहीं, ये व्यापारिक व्यवहार में भी। तो मैं बोलूं, इनमें डिवाइन एंड सबलाइन गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। गोयनका जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं, ऐसा ही सवाल है, लेकिन आप दोनों बचपन से साथ हैं तो एक बात नहीं होगी, ऐसी सैकड़ों बातें होंगी जो आप दोनों को एक दूसरे की पसंद होंगी। अग्रवाल साहब की सबसे बड़ी खासियत आपकी नजर में क्या है? अग्रवाल जी बहुत फ्रैंक हैं, कोई भी चीज मन में नहीं रखते हैं, जो चीज इनको समझ में नहीं आती है वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर देते हैं लोगों को, तो कई बार किसी को खराब भी लग सकता है, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो अल्टीमेटली हर आदमी अप्रिशिएट करता है और उससे बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। मैं इसी से अपना अगला सवाल पूछना चाहता हूं, उस टॉपिक पे आना चाहता हूं जहां से हम शुरू कर रहे थे, लीडरशिप। आपने इस कारोबार को जहां से शुरू किया और जहां तक पहुंचाया है, उसमें लीडरशिप पर तो कोई सवाल उठता नहीं है, लेकिन जो गुण आपका गोयनका जी ने बताया, एक लीडर के तौर पे आपके मन में जो बात आती है वो कह देते हैं। ज्यादातर लीडर्स की समस्या ये है कि वो मन में आने वाली बात कई बार इस वजह से नहीं कहते हैं कि इससे दूसरे का दिल दुखेगा, इसको आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, हमने किताबें पढ़ी हुई है, हम किताबें बहुत पढ़ते हैं, उसमें रहता है जो चीज मन में आवे वो स्पष्ट वादिता से बोलने से आपके साथ जो काम करने वाले हैं वो आपको समझ पाते हैं और आप उनके साथ डिप्लोमेसी करें तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आप उनकी भूल सुधारना चाहते हैं तो उनकी भूलें बताइए। तो लीडर आजकल के लीडर की तरह नहीं होते हैं जो राम राम जपना और पराया माल अपना, ऐसा नहीं। राम राम जपना और पराया माल तुम्हारा, पराया माल रखना ही नहीं
और पराया माल मतलब प्रेम, इतना प्रेम सबको दो कि वो आपके हो जाए। कभी कभी बहुत मुश्किल घड़ी आती है एक लीडर के तौर पे। आप लोगों के बिजनेस में एक शुरुआती दौर का बड़ा झटका, आपकी किताब में भी लिखा है, बाकी लोग भी जो आपकी लाइफ पढ़ते हैं उसमें आता है कि आपने केमको नाम की कंपनी शुरू की और पूरी नेटवर्क स्वाइप ऑफ हो गई, फिर आपने दोबारा शुरू किया। अभी हाल का जो एक बहुत सीरियस झटका है, जो कि कोर बिजनेस भी नहीं था आपका, लेकिन एक तरह से इतनी बड़ी साख पे एक धब्बे की तरह आ गया जिसमें आपका कोई शायद हाथ भी नहीं था, गलती भी नहीं थी, लेकिन ये जो अस्पताल का कांड हुआ, इस तरह की चीजों को कैसे आप टैकल करते हैं और उससे क्या सबक आपने लिए? देखिए, हमको ईश्वर पे बहुत विश्वास है और हमको कभी भी नहीं लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि करने वाला परमेश्वर है और हमारा शुभ चिंतक है। तो जब शुभ चिंतक यदि कुछ करता है तो गलत कर नहीं सकता। ये हमारे पर जब इतना बड़ा विश्वास है तो हमें कोई भी चीज कभी गलत नहीं लगती है। और सीखने का जो सबसे बड़ा सबक यह मिला कि सही और गलत की पहचान इस वाक्य के बाद हमें हो गई, कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। तो सबसे बड़ा सबक हमें इस एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बाद मिला वो यही था कि बुरे वक्त में दुश्मन और दोस्त की पहचान हो जाती है, सही पहचान हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं और उसके बाद अग्रवाल साहब से चर्चा जारी रखेंगे। सीएनबीसी आवाज पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इमामी ग्रुप के चेयरमैन श्री राधेश्याम अग्रवाल और को चेयरमैन राधेश्याम गोयनका जी से। अग्रवाल साहब, आपने अपनी किताब में एक और शेर लिखा है, अभी जो वाक्य पर हम बात कर रहे थे उससे जुड़ा हुआ है, तो मैं आपसे बात करने से पहले वो सुना दूं। इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े गिर कर उठे उठकर चले। गोयनका साहब ने कहा कि बुरी चीजें हमें कुछ सिखा जाती हैं। आपके जीवन में ये जो फेलियर्स हों, डिफिकल्टीज हों, ये कैसे आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? देखिए, जीवन में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में फेल्योर या असफलता नहीं है या हताशा नहीं है, किंतु वो आदमी उस हताशा को कैसे लेता है इस पर ही उसका जीवन डिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ने की उम्मीद बोले, आशाएं बोले, उसी पर टिकी रहती है। हमारे व्यापार में तो बहुत असुविधाएं आई है।